वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, तुसी वेख रहे हो कथा गुरबाणी विचार। सब तो पहला जेकर तुसी चैनल ते नवे आए हो तो कृपा करके चैनल नू सबसक्राइब कर लवो अते नाल ही बैल आइकन दबा लवो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट तुहाडे तक पहुँच सके। ते नाल ही जेकर तुहानू इह वीडियो चंगी लगी तो इसनू लाइक अते शेयर जरूर करियो। प्यारी साध संगत जी, इस करोना वर्गी बीमारी तो बचन लई नाम जपना पैना, नाम दी दवाई ही काम आउणी है। यह बीमारी सारी दुनिया के कोने कोने विच फैल गई है। पिछली बार जदों यह बीमारी आई सी लोकां नू घरां विच बंद करके इस बीमारी ते कंट्रोल कीता सी, इस नू ज्यादा वधन नहीं सी दिता, पर हुण यह बीमारी एक बार फिर दहशत मचा रही है, पूरे जोरां ते वध रही है। लोग त्रास त्रास कर रहे ने, महीना दो महीना इस बीमारी का बड़ा जोर है। इस करके सारे अपने आप ते कंट्रोल रखो, ये सारी बीमारी नाम नाल ही खत्म होनी है। बाणी ज्यादा तो ज्यादा पढ़ो, सिमरन करो, बहुतियां थावां ते ना घूमो। कोई जरूरी काम है ता ही बाहर जाओ, नहीं तो घर विच ही रहो। गुरबाणी का जाप करो, जिन्ना ज्यादा जाप करोगे उन्ना ही बचे रहोगे। औखा समा बनिया है, इस नूं रब दा नाम लैके कढ़ लवो। सारे गुरु प्यारे अरदास करो कि छेती तो छेती यह बीमारी खत्म होवे। सारा परिवार बैठ के एक एक घंटा सवेरे शाम नाम जरूर जपो, वार वार जिवें कि दस्या जा रहा है। हाथ जरूर साफ रखो, गर्म पानी दो टाइम जरूर पियो, अदरक रिन के पियो, तुलसी काढ़ा रिन के पियो। कई बीमारियां आईया ते कई गईया, गुरु साहब जरूर कृपा करनगे, छेती ही इस बीमारी तो छुटकारा मिलेगा। ये औखी घड़ी भी बीत ही जानी है, जदों सारिया संगतां रल मिल के अरदासां करनगियां, पाठ करनगियां, नाम जपणगियां, फिर गुरु साहब इस दुख नूं भी दूर करनगे। यही इस बीमारी का पक्का हल है। ज्यादा तो ज्यादा पाठ करो, नाम जपो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।